हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इस तरीके के गंदे दाग धब्बे वाले चेहरे पे मेकअप करके किस तरीके से आप बहुत अच्छे से स्किन को दिखा सकते हो कि कोई इस तरीके की कस्टमर आ जाए कि मैम इस तरीके का मेकअप चाहिए, तो आप बहुत ही ईजिली उनके डार्क स्पॉट्स को मतलब हाइड कर सकते हो, छिपा सकते हो। तो इस तरीके का मेकअप मैं आज बताने वाली हूँ। वेडिंग सीजन चल रही है तो अक्सर बहुत सारे मेरे स्किन पे इतने दाग नहीं है, मैंने इसको बनाया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे। मॉइस्चराइजर के लिए आप कोई भी क्रीम ले सकते हो, जैसे कि आयुर का और पोन्ड्स का कोल्ड क्रीम, एलोवेरा जेल, वैसलिन। मॉइस्चराइजर के लिए स्किन पे कोई भी चीज़ें यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजिंग के लिए वैसलिन यूज किया है और देन इसके बाद मैं एलोवेरा जेल यूज करूँगी। और मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप स्किन को क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, तो क्लींजिंग मिल्क से आप स्किन को क्लीन कर लीजिए। टोनर, क्लींजिंग मिल्क, जो भी हो आपके पास उसको क्लीन कर लीजिए। मैं चेक कर लूँ कि मेरा ये दाग अच्छे से मतलब चिपक गया है कि नहीं। उसके बाद से आपको इस तरीके से मॉइस्चराइज कर लेना है। ये मेरा ओरिजिनल दाग नहीं है, तो मैं इस पर अगर मॉइस्चराइज करूँगी तो ये निकल जाएंगे, इसलिए मैं इस पर मॉइस्चराइज नहीं करूँगी। अगर ओरिजिनल दाग होंगे आपके स्किन पर, ओरिजिनल स्पॉट्स हैं, तो आप उसको पूरा अच्छे से क्लींजिंग कीजिए, मॉइस्चराइजिंग कीजिए, उसके बाद से मेकअप स्टार्ट कीजिए। तो मैंने अपने स्किन को क्लींजिंग मॉइस्चराइज करने के लिए वैसलीन यूज किया। उसके बाद मैं प्राइमर की जगह पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ। अगर आपके पास भी प्राइमर ख़त्म हो जाए तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। ये वाला एलोवेरा जेल केसर का है, ये बहुत ही अच्छा होता है, ये पिंपल्स रिंकल्स मिटाए और स्किन को अच्छे से सूट करता है। ये आप चाहो तो रात को इसको स्किन पे इसकी लेप लगा के और सो सकते हो, सुबह उठ के वॉश करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एलोवेरा जेल केसर चंदन वाला है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो प्राइमर की जगह पे भी आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपका प्राइमर ख़त्म हो जाए तो। ओके, प्राइमर लगाना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी स्किन पे जो पोर्स होते हैं उसको अच्छे से ढक देता है और अच्छे से मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है, ब्लैक नहीं पड़ता है। तो प्राइमर बहुत ज़रूरी है, प्राइमर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए मेकअप करते वक्त। ओके, तो ये तो मैंने प्राइमर लगा लिया। ओके, प्राइमर की जगह पे मतलब एलोवेरा जेल लगा लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी फाउंडेशन लेना है। मैंने यहाँ पे लैक्मे का फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है, तो मैंने लैक्मे का फाउंडेशन यूज किया है, तो वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। और हाँ, जब भी आप मतलब मेकअप करते हो तो फाउंडेशन या कंसीलर ये सब आपको टैप टैप करके लगाना चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर से। और ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में डिप कीजिए, वो पूरा फूल जाए तो उसका पानी निचोड़ लीजिए, उसके बाद आपका मेकअप अच्छे से होता है। तो ये मैंने लैक्मे का फाउंडेशन मंगाया है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके स्किन पे ज़्यादा डार्क स्पॉट्स नहीं तो आप ओनली लैक्मे के फाउंडेशन से भी काम चला सकते हो। ये बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट देता है स्किन पे। तो इस तरीके से आप डार्क स्पॉट्स के ऊपर अच्छे से इसको अप्लाई कीजिए। आप जितना प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करते हो उतना गर्दन पे भी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये याद रखिएगा, ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा पानी में डीप करके और निचोड़ के फिर आपको मेकअप पे अप्लाई करना है। तो ये डार्क स्पॉट्स जो हैं ये आपके ओनली फाउंडेशन से नहीं हटने वाले हैं, इसके लिए क्या करना है वो भी आप वीडियो देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। अच्छे से ब्लेंड कर लेना, मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। कितने भी डार्क्स आपके डार्क स्पॉट्स हों उसको आप अच्छे से हाइड कर सकते हो। और हाँ, मैंने ये HD का मेकअप कंसीलर और ये कॉन्टोरिंग मंगाया था, ये देख सकते हो आप। तो ये भी बताऊंगी स्किन को कंटूर कैसे करते हैं, हाइलाइटर और कॉन्टोरिंग एक में ही दिया हुआ है। तो और हाँ, मेरे व्यूवर्स ने पूछा था कि मैम गार्नियर का कौन सा क्रीम लें स्किन वाइटनिंग और फेयरनेस के लिए, तो ये वाला क्रीम लेना है आपको, गार्नियर स्किन नेचुरल लाइट कंप्लीट सीरम क्रीम, ये वाला क्रीम आपको लेना है। ये इस तरीके के डिब्बे में आता है, तो ये बहुत बेस्ट रहेगा, मैं भी फ़िलहाल में यही यूज कर रही हूँ। तो चलिए अभी बारी आती है हमारे डार्क स्पॉट्स को छिपाने की।
जो डार्क स्पॉट्स को छिपाने के। तो ये जो मैंने HD का कंसीलर मंगाया था हाई डेफिनेशन, बहुत ही अच्छा है, मुझे 400 में ये दोनों मिल गया, कंटूरिंग पैलेट और ये मैंने फ्लिपकार्ट से इसको मंगाया था। और इसमें एक छोटा सा ब्रश दिया होता है जिसकी मदद से आप अपने डार्क स्पॉट्स वगैरह को रिमूव कर मतलब हाइड कर सकते हो। इस तरीके से लगाना है, देख सकते हो अपने हाईलाइट्स पॉइंट पे जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स हैं आपके उसके ऊपर लगा सकते हो। अच्छे से ये डार्क स्पॉट्स को हाइड कर देता है। मेरी स्किन पे थोड़ा सा डार्क सर्कल की भी प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से लगा लेना है अपने डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए। अब मैं इसको मिक्स करके दिखाती हूँ कितना अच्छे से ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। आप देखिए कितना अच्छे से ये, मैं बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ, और एकदम देखिए कितने अच्छे से ये हाइड कर देता है आपके डार्क स्पॉट्स को। अगर आपकी एक लेयर में ना हाइड हो तो आप दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हो। नाक पे का तो अच्छे से हाइड हो गया है। कंसीलर 3D मार्क्स का है ये, इसको भी अप्लाई करना है आपको। ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर से है। जब आप कंटूरिंग करते हो तो इसको आपको यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे ब्लैक वाला शेड यूज करना है। मैं इस टाइम कंटूरिंग नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। ओके, ओके, इसके ऊपर दोबारा से हम लोग अप्लाई करेंगे कंसीलर। जहाँ पे भी आपको डार्क स्पॉट्स दिख रहा हो वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर लीजिए। आज मैं सिर्फ यही बताऊँगी डार्क स्पॉट्स को हाइड कैसे करते हैं, बाकी मैं मेकअप नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। ओके, तो आप देख सकते हो अच्छे से पूरा हाइड हो गया मेरा डार्क स्पॉट। लाइट जो दिख रहा है उसको आप कॉम्पैक्ट पाउडर अब लगाओगे तो पूरा अच्छे से हाइड हो जाएगा। कॉम्पैक्ट पाउडर के लगाने के लिए आपको ब्रश यूज करना है और आपका ये देख सकते हो कितने अच्छे से पूरा डार्क स्पॉट हाइड हो जाएगा। ये तो बहुत ही ब्लैक कर दिया था मैंने स्किन पे ओरिजिनल डार्क स्पॉट्स। इसमें अभी थोड़ा सा ब्लश यूज करेंगे फेस पे। जब आप दिन के लिए मेकअप कर रहे हो तो ब्लश स्किप भी कर सकते हो, ज़्यादा डार्क ब्लश अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आपके स्किन पे कोई भी डार्क स्पॉट्स हो तो आप उसको हाइड कर सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, स्किन पे डार्क स्पॉट्स को हाइड करना कैसे करें, बस इतना ही वीडियो बनाया था आज मैंने। तो आगे का मेकअप और वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा जितने भी मेरे व्यूवर्स ने पूछा था कि मैम कौन सा क्रीम चाहिए गार्नियर का, तो ये वाला आप क्रीम ले सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छे से डार्क स्पॉट्स पूरे हाइड हो गए हैं। बाय बाय, टेक केयर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हों तो उसको कैसे हाइड कर सकते हैं मेकअप के जरिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में आपको कुछ भी सीखना हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, और आपको भी कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो मैं इस तरीके की डिफरेंट वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय 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 गाइस।